अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहत काजी और आप देख रहे हैं थॉट्स एरिया 7। पंजाब के लुधियाना ज़िले से कुछ ही दूरी पर एक गांव है जहां पर कई सालों पहले मुसलमान रहा करते थे, मगर बंटवारा होने के चलते इस गांव में रहने वाले मुस्लिम परिवारों को इस जगह को छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। इस गांव का नाम हेडोबेट है और इस गांव में अब सिर्फ हिंदू ही रहते हैं। इस गांव में एक मस्जिद है और ये मस्जिद आज भी रोशन है। इस मस्जिद का ध्यान गांव के लोग ही रखते हैं। हेडोबेट गांव लुधियाना से 45 किलोमीटर दूर है और इस गांव में 25,000 लोग रहते हैं। इन 25,000 लोगों ने गांव में बनी इस मस्जिद का अच्छे से ध्यान रखा हुआ है और हिंदू होने के बावजूद भी ये लोग रोज़ इस मस्जिद में आकर सफाई किया करते हैं और मस्जिद को रोशन रखते हैं। इस गांव में रहने वाले प्रेम सिंह के ऊपर इस मस्जिद को संभालने की जिम्मेदारी है और प्रेम सिंह यहां हर रोज आकर यहां सफाई का काम करते हैं और यहां पर हर शाम को दिया जलाते हैं। प्रेम सिंह के मुताबिक ये गांव बंटवारे से पहले एक मुस्लिम गांव हुआ करता था, मगर बंटवारे के बाद यहां एक भी मुसलमान नहीं रहा। बंटवारे के वक्त पाकिस्तान के मीरखपुर में रहने वाले हिंदू परिवार इस गांव में आकर बस गए थे और तब से इस मस्जिद का ध्यान हिंदू परिवार के लोग ही रखते हैं। प्रेम सिंह के मुताबिक वो इस मस्जिद की देखरेख में पिछले 4 सालों से लगे हैं और गांव के लोग इस मस्जिद की देखभाल के लिए पैसे दिया करते हैं। हाल ही में इस मस्जिद में नया दरवाज़ा भी लगवाया गया है और वक्त वक्त पर इस मस्जिद की मरम्मत भी करवाई जाती है। इस मस्जिद के अंदर एक मज़ार भी है। ये बुज़ुर्ग कौन है, ये किसका मज़ार है, ये किसी को नहीं पता। हिंदू भाई बहन यहाँ आते हैं, मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत व मुराद पूरी भी होती है। यहाँ चादर भी चढ़ाई जाती है और रोज़ दिया भी जलाया जाता है। ये मज़ार शरीफ, जिनका किसी को नाम तक नहीं मालूम, हिंदू भाई बहन का अकीदत का मरकज बनी हुई है। इंडिया को यूं ही गंगा जमुना तहजीब नहीं कहा जाता, बल्कि यही वो तहजीब है जो दूसरे मुल्कों में नहीं पाई जाती। यहाँ हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के मज़हब की इज्जत करते हैं और अल्लाह के वली जहाँ पर भी कयाम पजीर होते हैं अपना वजूद मनवा के ही रहते हैं। हिंदुस्तान में एक नहीं कई जगहें हैं जहाँ मुस्लिम इबादत गाह का ख्याल हिंदू रखते हैं और हिंदुओं की इबादत गाह का ख्याल मुस्लिम रखते हैं। एकता में ही ताकत है, अगर अलग हो जाएंगे तो बिखर जाएंगे। उम्मीद है और दुआ है कि ये भाईचारा हमेशा ऐसे ही कायम रहेगा और जिस गंगा जमुना तहजीब के लिए हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में जाना जाता है वो हमेशा कायम व दायम रहेगी। मोहब्बत करने वाले हमेशा अमर हो जाते हैं और नफ़रत करने वाले मिट जाते हैं, जिनका नामो निशान तक बाकी नहीं रहता। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आगे शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।